गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने एक्सरसाइज 2 स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन 9 से स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। क्वेश्चन 8 तक मैंने कल बता दिया था, पहले क्वेश्चन 9 से करेंगे। तो क्वेश्चन 9 में देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज गिवन। वॉल्यूम क्या होता है? इसके अंदर का कंटेंट, ठीक है, ध्यान रखें हमेशा। वॉल्यूम इज अंदर का कंटेंट होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम इज ये हो गया, और ये रेडियस, हाइट, ओके। ये दिया है आपको 3080 मीटर सेंटीमीटर क्यूब। हाइट दिया हुआ है h 20 सेंटीमीटर। रेडियस हमको निकालना है, ठीक है, आर हमको निकालना है। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको हमेशा, जब भी क्वेश्चन करेंगे। पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 20, ये हो गया 3080, ठीक है। अभी 22 इंटू 20 तो मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो मैं 1 by 1 ले जा रहा हूँ, किसी को अगर डाउट होता है, इसलिए कई लोग कोई तो अगर देख नहीं रहे होंगे, बहुत बच्चे तो देखते नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई में उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3080 इंटू 7, 22 इंटू 20, ठीक है, इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हम अब यहाँ पे देखिए, 11 2 जा, ठीक है, क्लास 10th में है। आपसे इतनी उम्मीद की जाती है कि आपको टेबल याद हो। 11 2 जा, क्योंकि 30 है, 33 आता है 11 के टेबल में, तो 33 से कम है ये। तो 11 2 जा 22, 8 बचा, 8 और 8 88, 16 नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर लोग अभी भी नहीं सीखे तो सीख लीजिए। यहाँ पे 8 बचा, 30 माइनस 22 8, ठीक है। हमने कहाँ तक टेबल पढ़ा, 22 तक, तो कितना बचेगा, 8। तो ये 88, 11 8 जा 88, और ये 0, ठीक है। आप देखिए 280 है, 2 से कटेगा ये, 140, और ये 0 0 काट दीजिए, फिर 2 से कटेगा 7। तो 7 × 7 आर स्क्वायर, ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं या करते हैं, जो हमेशा रीडिंग करते हैं, उनको इजिली समझ में आ गया होगा। आर का स्क्वायर रूट निकालोगे कि इसका स्क्वायर रूट क्या है, ठीक है। आर इंटू आर, 7 × 7, तो आर का वैल्यू क्या है, 7, ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर। सो हाइट, रेडियस निकालना है तो कोई जरूरत नहीं है बाकी कुछ करने का। रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। तो लास्ट में आप स्टेटमेंट लिख दें, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन 10 में आते हैं। आप नेक्स्ट, 11 लीटर जूस इज फिल्ड इन अ सिलेंड्रिकल वसल ऑफ हाइट 35 सेंटीमीटर, ठीक है। 11 लीटर जूस है इसमें, मतलब वॉल्यूम भरा हुआ, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ जूस वॉल्यूम ऑफ वसल, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ जूस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वसल एंड हाइट ऑफ द वसल एच इक्वल टू कितना दिया हुआ, देखें 35 सेंटीमीटर। वॉल्यूम दिया हुआ है 11 लीटर, 11,000 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। आप देख लीजिए, उसमें हिंट भी दिया हुआ है, 1000, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको सेंटीमीटर क्यूब में पहले चेंज कर लीजिए। आप देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वसल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच 22/7। उधर वॉल्यूम ऑफ वसल दिया हुआ है 11,000, ठीक है, आर स्क्वायर इंटू एच है 35, 7 × 1 = 7, 5, ठीक है। तो इसको उधर ले जाते हैं, 11,000 22 × 5 इक्वल टू आर स्क्वायर
इसको एक्सचेंज कर लेते हैं, आर स्क्वायर 22 5 110 होगा, ठीक है 110, तो 11 1 11 10 8 0 है तो ये हो जाएगा 100, आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या पूछा है ये ध्यान रखें, पूछा क्या है इसमें डायमीटर पूछा है, तो रेडियस डायमीटर इक्वल टू क्या निकालते हैं ट्वाइस ऑफ रेडियस, ठीक है एंड डी इक्वल टू 2 आर दैट इज 2 × r कितना है 10 20 सेंटीमीटर। तो आप आंसर में देखेंगे ये दिखेगा आपको 10 सेंटीमीटर नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा बिकॉज क्वेश्चन इन क्वेश्चन डायमीटर हैज बीन आस्क्ड नॉट द रेडियस, ओके सो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है दिस वाज 10 वॉल्यूम पे ही क्वेश्चन है ज्यादातर, पहला हाफ आपको सरफेस एरिया और कवर सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया में था, अभी पूरा वॉल्यूम पे जाएगा तो कुछ क्वेश्चन में आपके वॉल्यूम और सरफेस एरिया भी रहेगा। 3 सेकंड का टिन कंटेंस 1 लीटर पेंट, ठीक है 1 लीटर पेंट वॉल्यूम ऑफ पेंट, ठीक है 1 लीटर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है डायमीटर ऑफ द टिन इज 14 सेंटीमीटर, रेडियस r इक्वल टू डी बाई 2 14 बाई 2 दैट इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टिन मतलब हाइट निकालना, ठीक है सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टिन सेम फॉर्मूला कोई अलग नहीं है, ठीक है और ये हो गया 1000 इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 7 × 7 इंटू एच, ठीक है कट गया हंड्रेड 22/7 इक्वल टू एच, ठीक है 11 2 11 का और 2 5 0 0 तो एच इक्वल टू आपको आंसर में सर ये दिया होगा डेसिमल में निकाल के दिया हो 77 मीटर, ठीक है सेंटीमीटर सॉरी ओके नेक्स्ट ओके देख लीजिएगा क्या दिया है डेसिमल में दिया होगा तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 500 को 77 से, ठीक है नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 12 12 अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ सिलिंड्रिकल बॉल ऑफ डायमीटर, तो यहाँ पे भी सिलिंड्रिकल बॉल है, ठीक है इसका डायमीटर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है इफ द बॉल इज फिल्ड विद सूप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, ठीक है अप टू 4 सेंटीमीटर पूरे इसका हाइट अलग होगा, ठीक है हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व टू 50 पेशेंट, ठीक है तो इसको हाइट इसका हम क्या लेंगे सूप की हाइट, ठीक है सूप की हाइट लेंगे सो डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल बॉल सिलेंड्रिकल बॉल 7 सेंटीमीटर रेडियस इक्वल टू डी बाई 2 दैट इज 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है एंड हाइट ऑफ द सूप गिवन इन बाउल दैट इज
4 सेंटीमीटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सूप गिवन टू वन पेशेंट दैट इज पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच हो गया 4, ठीक है, ओके। तो 2 2 2 2 कट गया, 7 7 कट गया, 22 इंटू 7 ये आ जाएगा 154 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आते हैं, बोर्ड छोटा है इसलिए मुझे ऐसा लेना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद आएंगे वॉल्यूम ऑफ सूप गिवन टू 50%, ठीक है, वो तो एक जन को दिया जा रहा है, अब 50% को कितना दिया जाएगा, तो 154 इंटू 50, ठीक है, अगर लीटर में निकालना बोला है तो हाउ मच, लीटर में नहीं बोला तो लीटर की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा, ठीक है। इतना ये काम तो आप कर ही सकते हैं, बाकी नहीं करते तो नहीं करते, इतना तो आपको करना है, ओके। 13 में आते हैं आप, 18 मीटर लॉन्ग थिन वायर इज ड्रॉन बाय मेल्टिंग अ कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर 1 मीटर एंड लेंथ 8 मीटर, कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें यहाँ पे ड्रॉन किसी भी मेल्टिंग किसी भी एलिमेंट को मेल्ट करके किसी भी शेप को मेल्ट करके दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हैं तो उनका जो वॉल्यूम है दोनों बराबर रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है, किसी भी शेप में हो, चाहे वो सिलेंडर से स्फीयर हो, सिलेंडर से कोन हो या सिलेंडर टू सिलेंडर हो, तो हम जब मेल्ट करते हैं तो उनका जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम हमेशा इक्वल लिया जाता है, ठीक है। तो मैं एक सिंबॉलिक शेप यहाँ पे फिगर बना दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। 18 मीटर लॉन्ग थिन वायर इज ड्रॉन बाय मेल्टिंग अ कॉपर रॉड, हमारे पास एक कॉपर रॉड है, ठीक है, कॉपर रॉड है जिसका डायमीटर है 1 मीटर, ठीक है, एंड लेंथ है 8 मीटर, इसको वायर में कन्वर्ट किया, इसकी लंबाई है 18 मीटर, हमारा समझ में, तो इसका जो वॉल्यूम है और इसका वॉल्यूम है वो बराबर रहेगा, तो इसका रेडियस हमको निकालना होगा, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, आपका कैलकुलेशन ध्यान रखना, इसमें पाई वाले जो चीज़ें हैं ना, वो पाई कांस्टेंट जो रहता है पाई का, वो कैंसिल हो जाएगा, तो उसको हमको कैलकुलेशन में नहीं रखना, कैलकुलेशन रखेंगे लेकिन वो ऑटोमेटिकली कैंसिल करते जाएंगे जब लिखेंगे तो, ठीक है। सो कॉपर रॉड इज मेल्टेड इनटू वायर, ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ कॉपर रॉड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर, ठीक है, मैं यहां पे मिटा दे रहा हूं इसको। अब देखिए डायमेंशन ऑफ रॉड, रेडियस कितना दिया हुआ है, डायमीटर 1 मीटर, रेडियस इक्वल टू डी बाई टू, इसको कैपिटल डी ले लेते हैं और कैपिटल आर, ठीक है, 1/2 मीटर हो गया ये हाइट, एच हाइट ये है 8 मीटर, वायर का डायमेंशन क्या क्या है, रेडियस लेना है, रेडियस आर निकालना है, ठीक है, रेडियस आर
हाइट एच 18 मीटर। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला में फिट करते हैं। कैसे करेंगे, मैंने पहले भी लिखा दिया इसको, वॉल्यूम ऑफ रॉड, वॉल्यूम ऑफ वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई पाई विल गेट कैंसल्ड, यहाँ पे आर स्क्वायर और एच बचेगा। आर स्क्वायर, आर हमारे पास है 1/2 का स्क्वायर इंटू 8। आर स्क्वायर यहाँ पे, एच है हमारे पास 18। ठीक है, सुधर ले जाते हैं। तो इस 18 को उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू 8 इंटू 1/18। ठीक है, इक्वल टू आर स्क्वायर, 4 1 जा 4 2 जा 2 से 9 जा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 1/9। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो आर इक्वल टू हो जाएगा 1/3 मीटर। ठीक है, ये हो गया आंसर आपका। डायमीटर लिखेंगे तो डायमीटर इक्वल टू 40 लिखेगा, डी इक्वल टू 2 आर 2/3 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से निकालेंगे। ओके, कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द वायर, तो थिकनेस मतलब डायमीटर। ठीक है, थिकनेस में से पूरा थिकनेस ये डायमीटर आएगा। ओके, तो थिकनेस यहाँ रखेगा, वायर का थिकनेस क्या है उसका डायमीटर है, और हमको क्या पूछा, डायमीटर पूछा है। तो ये स्टेप आप नहीं करेंगे तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी इस तरह से है। ठीक है, डिगिंग और वो किसी भी कभी खुदाई करते हैं तो वो मिट्टी का वॉल्यूम, ठीक है, शेप का जो वहाँ पे वॉल्यूम बनेगा, वो वॉल्यूम जो मिट्टी निकाले उसका वॉल्यूम रहता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको खोद के यहाँ पे इसको मैं क्यूबिकल शेप में डाल दिया। ठीक है, तो ये इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम बराबर रहेगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, उसमें जाते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 14, अ वेल हैज बीन डग हूज रेडियस इज, रेडियस दिया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अ वेल हैज बीन डग हूज रेडियस 7 मीटर, 7 मीटर सॉरी। ठीक है, एंड विच इज 20 मीटर डीप, जिसका हाइट हो गया 20 मीटर। ओके, 22 मीटर बाय 14 मीटर प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म मतलब इसके आगे पीछे क्यूबिकल प्लेटफॉर्म बनाया है। ठीक है, अब क्यूबिकल कैसे समझ में आया ये बताओ मेरे को, क्योंकि मेजरमेंट दिया है 22 बाय 14 और हाइट हमको इसका निकालना होगा। ठीक है, एग्जीक्यूटेड मतलब निकाला गया। ठीक है, व्हेन डिगिंग द वेल फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो लेंथ मतलब से लेंथ ये निकालना है, ये दिया हुआ। ठीक है, 22 बाई 14 ये निकालना है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर होगा, सेंस सॉइल इज यूज्ड, सॉइल एक्सक्वेटेड एक्सक्वेटेड फ्रॉम वेल इज यूज्ड इन प्लेटफॉर्म, सो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म कौन से शेप का है, क्यूबिकल फॉर्म का। ठीक है, मैं देखा आपको एक आस पास बना रहता है, कभी सर रिंग शेप होता है, कई बार ऐसे शेप में होता है, ऐसे से बना रहता है, कभी क्यूबिकल शेप में रहता है, चौड़ा वाला रहता है। ठीक है, तो क्यूबिकल शेप में बनाएंगे उसके कुएं के आस पास। तो अब वेल का मेजरमेंट क्या है, रेडियस
सेवन हाँ, मीटर सब ठीक है पापा, मैं लगाया था पापा के नाक में हाइट बाबू खेला थे दे आई चिक एच इक्वल टू 20 रात में मीटर ना खेला मिक्स कर पापा शाम को हो गया अभी ठीक है। सो वॉल्यूम यहाँ पे लेकिन फॉर्मूला क्योंकि दोनों में एक में पाई आएगा एक में नहीं आएगा तो पाई कैलकुलेट करना पड़ेगा ठीक है। जब दोनों में पाई आता है तो हम फिर से कर सकते हैं वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच। एल हमारे पास नहीं है ठीक है सॉरी इसका पाई आर स्क्वायर है सॉरी वेल का सिलिंड्रिकल है पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू आर हो गया 7×7 इंटू एच हो गया 20 ये कर लिया 22×7×20 ठीक है। सो कैलकुलेट करके रख सकते हैं 154×20 ये सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब सॉरी मीटर क्यूब शिवाजी चौक में आज रजिस्ट्री करके तीन था रजिस्ट्री करके घर गई सके पेन ड्राइव लाने पर कपड़ा वो जींस फट गया बे वो इसे गी चापत कपत आए इसे बे तो अगर दिया जी जींस कपड़ा पहने की तीन था रजिस्ट्री दिया जी करके कटे डाल डाल में साफ कर हो जी से ऐसे करके बताइए इस मोला जान चल हाँ पापड़ ठीक है बतावे घबरा नेक्स्ट इसे करके लेकिन छुलाया छुलाया है कहाँ से बोल नेक्स्ट इसमें आते हैं छुलाया है करके वॉल्यूम ऑफ ये तो वेल का हो गया प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम निकालते हैं प्लेटफॉर्म हो गया प्लेटफॉर्म का एल नहीं दिया है बी बी हमको दिया है 22 मीटर ठीक है 22/14 दिया हुआ तो बी और एच है ठीक है। All in equal to 22×14 गाड़ी वाला है ना लार्जेस्ट है गाड़ी वाला सामने मार दिखा दे और तीन हो गया इधर गाड़ी वाला बाकी तो ना भी रे के तक भेज दे हां मोबाइल वाले सब से कहा कि इसी करे कहां भेज दे चल नेक्स्ट बोला फोन लगाया नहीं तो बता यहां कापत का पता है समझ लगा गा एकदम नहीं खाना वाला नहीं खाया बहुत की गाड़ी से तबे चाल का मैं साफ दवाई पानी लगाऊं तो ना अपन आप ही ठीक है। नेक्स्ट देन ये हमने लिखा था वॉल्यूम ऑफ वेल वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म तो वेल का कितना है 3080 मीटर क्यूब इसका एल इनटू टेंजा में आएगा 1, 1 और 0 ठीक है तो 10 मीटर ठीक है। तो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 10 मीटर ओके। So this is how. Next. So this is for today. Okay. Next video में बाकी आपको share करूँगा. Okay. Thank you. Good day.